मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश के साथ कुदरती झरने पूरे शबाब पर हैं। इनकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। पिछले दो हफ्तों में 6 से ज़्यादा लोगों की जान डूबने से जा चुकी है, लेकिन ना तो लोग सावधानी बरत रहे हैं और ना ही पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतज़ाम यहाँ पर नज़र आते हैं। देखिए खतरनाक खूबसूरती को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये खूबसूरती खतरनाक है, यहाँ सावधानी बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ जाएगी और जिंदगी इन कुंडों में समा जाएगी। रीवा के गोविंदगढ़ में इन दिनों जैसे कुदरत ने श्रृंगार किया हो, हर कदम पर खूबसूरती है। झरने जैसे खुद की सुंदरता पर इतरा रही हैं। बारिश के मौसम में इनकी खूबसूरती शबाब पर होती है, लेकिन ये खूबसूरती उतनी ही खतरनाक है। ये सुंदरता जानलेवा है, क्योंकि थोड़ी सी चूक सीधे मौत के मुंह में ले जाती है। इन झरनों का शोर सुनिए, इनमें खतरों की आहट सुनाई देती है। खंडो देवी माता मंदिर के पास इन कुंडों की अथाह गहराई है, जिनमें कई जिंदगियां समा चुकी हैं। पानी के तेज धार और इनके बहाव से उठते इन भंवर को देखिए, जिनमें कोई फंसा तो सांसें थम जाती हैं। पानी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिनमें फंसने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लापरवाही का आलम दिखाई देता है। मौत को दावत देते सैलानी नजर आते हैं और हजारों लोगों की जिंदगी को लेकर बेपरवाह पुलिस और प्रशासन भी नजर आता है। मंगलवार को यहां डूबने से 29 साल के युवक की मौत हो चुकी है। ये गोविंदगढ़ का एरिया है। पहले तो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ बड़े बड़े कुंड हैं। यहाँ पर कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, लेकिन इस गहरे कुएं जैसे जो कुंड है, यहाँ पर लोग और खासकर कम उम्र के बच्चे किस तरह नहा रहे हैं, ऊपर से कूद कर नीचे किस खतरे के साए में नहाते हैं। ये बेपरवाही उस सूरत में है जब रीवा जिले में पिछले दो हफ्ते में ही 6 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। मंगलवार को कुंड में डूबा 29 साल का युवक, मनगवा की महान नदी में डूबा 36 साल का युवक, 9 अगस्त को तमरा गांव में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हुई, 8 अगस्त को गढ़ थाना इलाके में 2 बच्चियां नहर में डूबी, नई गढ़ी में बावड़ी में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, महज 10 दिन के अंदर डूबने से 7 की मौत हुई है। खंडो माता मंदिर के कुंडों में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। साल भर में डूबने की करीब 20 घटनाएं सामने आई हैं। लापरवाही करते हैं, अब इनको बताया गया कि यहाँ ना नहाएं, ये सब बनवाया गया अभी विधायक जी द्वारा, तब भी ये मानते नहीं हैं। बारिश में ये कुंड खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी हो जाते हैं। यहाँ देवी का मंदिर होने से श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं, जहाँ लोग जान जोखिम में डालकर नहाते हैं। सेल्फी लेते वक्त भी हादसों का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे तो यहाँ जान की परवाह किए बिना छलांग लगाते हुए दिखते हैं, जो कब आखिरी हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। इस गहरे कुंड में जो बच्चे नहाते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे नहाते हैं, डर नहीं लगता पहले? भैया हम लोग तो यहीं के हैं, हम लोग से तैरना आता है। हम लोग यहाँ पे बस नहाते हैं इतने इतने में, और जो बाहर से आते हैं वो फोटो लेते हैं, जो कि आधे लोग आते हैं दारू पीते हैं, हाँ वो लोग डूबते हैं, नहाते बाद बना भी करते हैं तब भी डूब जाते हैं। तो यहीं के हो तो क्या यहाँ डूब नहीं सकते क्या? नहीं, हम लोग से बनता है, पैरते छोटे से नहा रहे हैं। डर नहीं लगता यहाँ पे? नहीं, मैं जानता हूँ ना इसलिए। कितने कितना गहरा है ये कुंड? बहुत। कैसे डूब जाते हैं लोग? वो दारू वारू पी कर वहाँ से कूद जाते हैं, पता नहीं वहाँ पर बहुत गहरा कुंडा भी है ना, इसलिए। यहाँ पर ये घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई तैनाती नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए। हम विस्तार न्यूज आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा है, आपको सचेत करता है कि ऐसे गहरे कुएं जो कुंड जैसे हैं उनसे सचेत रहिए। हाथ से बढ़ रही हैं, हर कदम पर खतरा है, लेकिन यहां पर सुरक्षा के इंतजाम कहीं भी नजर नहीं आते। ना तो कोई पुलिसकर्मी यहां तैनात दिखाई देता है, ना ही गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था है। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक बोर्ड है, जिसमें लिखा है कि यहाँ नहाना और कूदना मना है।
लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर नहाने वालों की संख्या, खासकर कम उम्र के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ पर कूद के नहाते हैं। विस्तार न्यूज की टीम जब पहुँची और कैमरे पर जब हमने उन्हें कैद करने की कोशिश करके, तो वो धीरे धीरे यहाँ से निकल गए। आप पानी का बहाव भी देख सकते हैं कि कितना तेज है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बेहद कम उम्र के बच्चे नहाते हैं, कूदते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कोई तैनाती नहीं है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई भी इंतजाम किए गए हैं। फिर भी यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं और ये वही गोविंदगढ़ का इलाका है जहाँ पर कुछ दिन पहले घटना हुई थी और ये इन कुंडों पर विगत सालों की अगर बात करें तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उनके दावे अलग हैं। बोर्ड लगाकर चेतावनी दी गई है, साथ ही समय समय पर गश्त करने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल तो वहाँ पर रेलिंग लगाई गई है, पुलिस की तरफ से हमने जो है चेतावनी के कई बोर्ड लगा रखे हैं। समय समय पर हम जाके लोगों को चेतावनियाँ देते हैं, समझाते हैं, हटाते हैं। 100 डायल का भी मूवमेंट हम लगातार करते रहते हैं वहाँ पर और लोगों को समझाइश देते रहते हैं। हैरानी की बात है, जब हादसे बढ़ रहे हैं, पिकनिक स्पॉट खतरनाक है, तो फिर पुलिस और प्रशासन सुरक्षा को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? लोग गहरे पानी में नहाते हैं, खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं है कि लोग खतरे से दूर रहें और यही वजह है कि जाने अनजाने में लोग हादसों को न्योता दे रहे हैं और जिम्मेदार बस दफ्तरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट।